अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सूफिया और रेड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेके आई हूं एक मुनफरिद प्रोग्राम सूफ़ी का सच। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी कहानियां और ऐसे हकायक से पर्दाफाश करके दिखाएंगे जिन्हें लोग इन अल्लाह वालों के पाक मज़ारात से मंसूब करके या तो इन्हें मफूकुल फितरत जगह मशहूर कर देते हैं तो या फिर इनके लिए तज़हीक और बदनामी का बायस बनते हैं। आज हम मौजूद हैं गौसे असर ख्वाजा मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर मौजूद हैं। ये मज़ार शरीफ वाला के बाजार खरादा में मौजूद है और इस मज़ार शरीफ को मशहूर मियां साहब का दरबार भी कहा जाता है। इस मज़ार के बारे में भी कुछ रवायात मिलती हैं हमें कि यहाँ पर शायर मशरक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालद सूफ़ी शेख नूर मोहम्मद यहाँ पर बाकायदगी से बड़ी अकीदत के साथ आया करते थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर अलामा मोहम्मद इकबाल खुद आया करते थे। इस बात में किस कदर सच्चाई है और इन हकायक में क्या सदाकत है, जानने के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहबजादा शब्बीर अहमद कमाल अब्बासी कादरी थे जो यहाँ पर सजादा नशीन हैं। इनके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि ये दीनी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम में भी पीएचडी स्कॉलर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालद गिरामी जो अपने पेशवा से बेहद मुतासर थे रूहानी तौर पर, वो इस बात से भी मुतासर थे कि मेरे पीर जो साहिब कमाल हैं, साहिब मुसखरात हैं, रूहानी तौर पर, विजदानी तौर पर एक बेमिसाल शख्सियत हैं, ये हुस्ने अदब से, हुस्ने अकीदत से जिस हस्ती के हजूर हाजिर होते हैं उस हस्ती की शान क्या होगी। चुनाचे अलामा साहब के वालदैन का हज़रत ख्वाजा से एक ख़ास कुर्बत का ताल्लुक कायम हो चुका था। दोनों एतबार से कि साईं अब्दुल्ला शाह साहब के वसीले से भी और बराह रास्त विजदानी तौर पर भी वो हज़रत गौसुल असर रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता थे और उनसे उनकी न्याज थी। इस ताल्लुक के रूहानी को इकबाल ने ताहयात कायम रखा। उनके ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं कि जिसमें उन्होंने इस दरगाह पर या साईं अब्दुल्ला शाह साहब की दरगाह पे हाज़िरी ना दी हो। रवायात में ये बात ज़िक्र की गई है, मुजल्ला महक में भी इसका ज़िक्र है कि अलामा अपनी पुरानी मोटर कार जो है वो स्टेशन पे खड़ा कर देते थे, अपनी जूतियाँ वहीं छोड़ देते थे और नंगे पांव इस दरगाह पर हाज़िर होते थे और बसा औक़ात वो रात भी यहीं बसर करते थे। ये रवायत तीन चार मुहक्किकीन की रवायत से चलती हुई इकबालियात की इस पहलू को, इस रूहानी वाबस्तगी के मौजू को आगे बढ़ाती है। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ, दुआ, नज़र, फैज या कोई ताल्लुक काम कर रहा होता है। शायर मशरक की कामयाबी के पीछे कौन से अवामल काम कर रहे थे, उनका उकदा साहबजादा डॉक्टर शब्बीर अहमद कमाल अब्बासी कुछ यूँ उठाते हैं। अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 4 साल के थे तो हज़रत ख्वाजा वहाँ तशरीफ ले गए। अलामा साहब के वालिद ने अपने पीर से गुजारिश की साईं अब्दुल्ला शाह साहब से
कि मैं दुआ और बिस्मिल्लाह के लिए इकबाल को पेश करना चाहता हूँ, तो आप मेरी सिफारिश कीजिए। चुनाचे साईं अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुल से 4 साल का नन्ना इकबाल जो है वो हज़रत ख्वाजा के हजूर उनकी गोद में पेश हुआ और आपने अपना लाब दहन लगाकर उसे गुट्टी दी और उसके इल्म, अमल, फिक्र, किरदार और हुस्ने किरदार के लिए और दुनिया आखरत के लिए दुआ की। मुहक्किकीन लिखते हैं कि अगर ये दुआ अलामा के साथ साथ ना होती तो अलामा बहुत बड़े शायर ज़रूर होते मगर शायर मशरक ना बनते। डॉक्टर नज़ीर सूफ़ी साहब, ये अलामा साहब की फैमिली के ख़ानदान के फ़र्द थे। क्याम इनका तमाम ज़िंदगी सियालकोट में रहा। उन्होंने अपनी किताब हयात व पयाम अलामा इकबाल में और अपनी तहरीरों में इकबाल की गुट्टी और बिस्मिल्लाह और दुआ का ज़िक्र उन्होंने किया है। इस दरगाह से निस्बत का ज़िक्र उन्होंने किया है। साईं अब्दुल्ला शाह साहब के दरगाह पे हाज़र होने का ज़िक्र उन्होंने किया है। शायर मशरक़ डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक दरगाह हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह से बरास्ता अपने वालद सूफ़ी शेख नूर मोहम्मद साबित है। प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल जवेद तो गुजरावाला शहर को ना सिर्फ शहर मुर्शिद इकबाल कहते हैं बल्कि उनके वालदैन के लिए भी शहर मुर्शिद का दर्जा देते हैं। जबकि बाबाए पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर रकम तराज हैं कि अलामा साहब दरगाह शरीफ पर बाकायदा हाजिरी दिया करते थे और अकीदत और एहतराम का ये आलम था कि अपने जूते रेलवे स्टेशन पर उतार कर नंगे पाँव हाजिर हुआ करते थे और बसा औकात रात भी वहीं बसर करते थे। पंजाबी के मशहूर शायर डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल जावेद, प्रोफेसर वारस मीर, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम रजा, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कमर इकबाल, डॉक्टर नज़ीर सूफी, हामिद मीर और कुंदने लाहौरी समेत मुतअद्दद अहम शख्सियात ने डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल और उनके वालिद सूफी शेख नूर मोहम्मद के रूहानी ताल्लुक को अपने अपने अंदाज में बयान किया है। इस दरगाह पर हजरत ख्वाजा मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह के अलावा एक पूरा सिलसिला नसब और रूहानी खानदान मदफून है। जी आप हमें बताएंगे यहाँ पर ख्वाजा साहब के मज़ार के अलावा कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मदफ़ून है? हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पोते हज़रत ख्वाजा मोहम्मद करीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके जानशीन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बशीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो मदफ़ून है। उसके अलावा दीगर ख़ानदान के अफराज यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तकरीबन रुश्दो हदायत का सिलसिला तकरीबन पौने 200 साल से यहाँ जा रही है। पौने 200 साल से ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है। हज़रत ख्वाजा उमर रहमतुल्लाह ताला को विसाल फरमाए दुनिया से 131 साल हो चुके हैं और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हज़रत अलामा इकबाल को गुट्टी दी थी और अलामा के वालदैन आपके खलीफा हज़रत साईं अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और इसी निस्बत से अलामा इकबाल यहाँ पे आते रहे हैं। और प्रोफेसर जवेद इकबाल साहब जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने अपने एक मज़मून में ये लिखा कि गुजरांवाला जो है वो शहर मुर्शिद इकबाल है और सियालकोट जो है वो शहर इकबाल है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर मर्द ख़वातीन ज़ायरीन की बड़ी तादाद आज भी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ हाजिरी देती है। आम दिनों की निस्बत चांद की 11 तारीख को ज़ायरीन की खसूसी तौर पर हाजिरी होती है और यहाँ पर जिक्र व अज़कार की महाफिल के अलावा लंगर का दौर भी चलता है। जबकि मरकजी महाफिल साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में मुनक़द होती है जिनमें ख्वाजा मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह समेत दीगर बुजुर्गान के सालाना रूसे मुबारक मनाए जाते हैं।
नाजरीन यहाँ पे 11वीं शरीफ के ख़त्म शरीफ के हवाले से लंगर का जो अहतमाम किया गया था उसको तकसीम किया जा रहा है। इस दरबार शरीफ पे मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन की भी बहुत कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो बड़ी अकीदत के साथ यहाँ पे होती हैं। इधर कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं कि वो यहाँ पर आती हैं, क्यों आती हैं और उनका इस यहाँ पर आने का क्या मकसद है। यहाँ पर आके आप क्या महसूस करते हैं? यहाँ पे आकर हम एक दिली सुकून महसूस करते हैं और हमारे बुज़ुर्गों की नूर के मीनार हैं यहाँ पर। आका पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार की रोशनी में ना सिर्फ हमारी रूहानी तरबियत की जाती है बल्कि उसके साथ साथ हमारी दुनियावी तरबियत भी की जाती है कि दुनिया के मामलात जो हैं उनको कैसे रखना है, कैसे हैंडल करना है। और आप देखें कि यहाँ पर तरीक़त के साथ साथ शरीयत का भी पूरा लिहाज रखा जाता है। औरतों के लिए अलहदा जो है वो इंतज़ाम है, उनके वाशरूम, वज़ू खाने और उनको लंगर शीर तकसीम करने वाली भी औरतें ही हैं। यहाँ पे आप बाकायदगी से आती हैं, महीने बाद आती हैं या किस तरीके से आपका यहाँ पे आना होता है? यहाँ पर खसूसी तौर पर महाना मिलाद शरीफ की महफिल होती है, उसमें हम लोग जो हैं वो हाज़िर होते हैं। उसके अलावा जब मतलब कोई मौका अगर किसी को मिले तो हाज़िर हो जाए। जी आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? यहाँ पे आकर आप क्या महसूस करते हैं कि आपको ये दरबार शरीफ की चीज़ का दर्स देता है? मैं बहुत छोटी उम्र में 1987 में यहाँ पहली मर्तबा हाज़िर हुआ था दरबार शरीफ पे, तो तब से आनवर्ड कोई भी महफिल ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटी हो मुझसे। तो ये दरबार शरीफ जो है ये इस गुजरांवाला शहर का बहुत पुराना आस्थाना है और यहाँ पे ये जो सुकून और रहमत का नज़ूल है ये हर महफिल में इस तरह से होता है और हाज़रीन इस तरह से हाज़िर होते हैं और अपने लुत्फ़ो करम जो है वो समेटते हैं। यहाँ की जो मैनेजमेंट है आप उसे किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कौन इसकी सरबराही करता है, अलहदा से डिपार्टमेंट शोबे हैं या क्या ड्यूटीज़ है, किस तरह से सर अंजाम दिया जाता है? क्योंकि साहबजादा साहब से मैं मिली हूँ वो तो अलालत की हालत में थे, आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं? इसमें ऐसे होता है जी कि कोई भी महफिल जब होनी होती है तो उससे पहले हम लोग आपस में सरकार पाक की के पास बैठकर ये तय कर लेते हैं कि किस तरह इंतज़ाम को अरेंज करना है। उसके बाद फिर हर शोबे के लिए मुख्तलिफ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और वो उसका अरेंज करते हैं। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि आज जैसे 11वीं शीफ थी तो इसके लिए अफ्तारी के लिए पहले से दोस्तों को नॉमिनेट किया गया। उन दोस्तों ने कि जी अफ्तारी कौन कौन से दोस्त खातीन की तरफ लेकर जाएंगे, कौन से दोस्त लेकर जाएंगे मर्दों की तरफ, और फिर उसमें भी आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ट्रे कौन लेकर जाएगा। आगे हर रो के अंदर ट्रे में से चीज़ें ट्रे लेकर लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर उसके अंदर पानी की ड्यूटी वाला अलग दोस्त होते हैं, बाद में किसी को अगर कोई चीज़ चाहिए जैसे दाल वगैरह है वो अलग दोस्त होते हैं। तो इस तरह से ये सारा निज़ाम, पानी बाद में सप्लाई चाहिए होती है वो तब भी ये निज़ाम चलता रहता है। इसी तरह पहले से जो इंतज़ाम होते हैं जैसे टेंटिंग है तो किसी दोस्त की ड्यूटी लगा होती है, वो टेंटों वाले से रابطہ करता है और फिर उसका अरेंज करता है। उसके बाद अभी ये काम सारा तकरीबन वाइंड अप हो रहा है। अगला मरहला ये होता है कि हमने आइंदा के लिए इन सारी चीज़ों को फिर संभालना है। अभी उसके लिए वाइंड अप टीम अलग से मौजूद है। वो जो वाइंड अप टीम है वो अभी ये दोस्त खाना खा के उठेंगे, वो सारी चीज़ें बर्तन अभी इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी बर्तन धुलाई है, बाकी चीज़ें वो जहाँ जहाँ से उन्होंने उठाए थे वो वहाँ सारी चीज़ें अरेंज करेंगे और उसके बाद फिर उनकी वापसी होगी। ये तो 11वीं शरीफ का ख़त्म शरीफ था, यहाँ पे लोगों का रश था, आपने इस तरीके से मैनेज किया। जब उर्स मुबारक होता है तो तब भी ऐसा ही होता है कि इसी अकीदत और मोहब्बत के साथ आप ये सारे काम सारे अंजाम देते? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टीम बड़ी हो जाती है, उसमें यहाँ पे टीम ज़रा छोटी होती है, उसमें टीम बड़ी हो जाती है। पकवाई का निज़ाम हमारा एक अलग शोबा है, उसके भी अच्छे खासे दोस्त होते हैं जो पकवाई के निज़ाम को देखते हैं। फिर वहाँ से चीज़ें जहाँ पे भराई होती है यानी हम ये प्लेटों के अंदर चीज़ें जब मैनेज करते हैं वो एक अलग टीम मौजूद होती है। फिर उसके अंदर चार या पांच या छः उसके वेन्यूज़ बना दिए जाते हैं कि
कि इस एरिए का ये कमांडर होगा, इस एरिए का ये कमांडर होगा, इस एरिए का ये कमांडर होगा, और वो वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी होती, उसके साथ फिर आगे आठ आठ सात सात दोस्तों की इसी तरह की टीमें होती हैं जिस तरह ग्यारहवीं शेफ की टीम होती है। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद बुजुर्गवार की निस्बत इस मज़ार अकदस से यूं ही तो ना थी। हजरत ख्वाजा उमर रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई शफीक, नरम मजाज और दर्द दिल रखने वाले इंसान थे, जिसका जिक्र उनके मुतकदीन कुछ यूं करते हैं। इस खानदान में एक जो खसूसी बात थी वो अल्लाह की मखलूक को पास लाने की बात थी, दूर करने की बात नहीं थी, कोई तासुब नहीं था, बल्कि यहाँ तक वाक़ हमने देखा है कि यहाँ पे एक शख्स को जिसको कोढ़ का मरज़ था उसके घर वाले फेंक गए थे, तो हज़रत ख्वाजा करीमुल्लाह साहब अपने हाथों से उसको खाना खिलाते थे। ये अल्लाह के लोगों का पैगाम है, अल्लाह वालों का पैगाम। नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो पाक आस्तानी होते हैं, ये हस्तियां होती हैं, ये मज़ारात होते हैं, हमें हुस्न सलूक, अकीदत और मोहब्बत का दरस देते हैं। इसलिए इन पाक आस्तानों के लिए यहाँ पे जो लोग आते हैं अपनी मुरादें लेके आते हैं, दुआ गोर रहते हैं, यहाँ पे आके दुआएं करती हैं, दुआएं कबूल भी होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन पाक हस्तियों के सदके ही लोग दुआ करते हैं, जो दुआएँ कबूल की जाती हैं। ये हस्तियाँ हमें मोहब्बत और अकीदत का सबक देती हैं। अब के लिए अपनी मेज़बान सूफिया सिकंदर आज़म को इजाज़त दी दिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्रोग्राम इसी प्रोग्राम सूफी के सच में किसी और मज़ार पर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।